रुक करेंगे दूसरी खबर का। पुलवामा राजनीति की सीरीज खत्म नहीं हो रही है। कल राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे थे। आज कांग्रेस के एक नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने यह आरोप लगा दिया कि 2024 के चुनाव से पहले पुलवामा जैसा हमला दोबारा हो सकता है। राहुल जी ने तो बहुत ही माकूल सवाल किया है, पूरे देश को पूछना चाहिए इनसे कि पुलवामा के हमले में क्या सच्चाई है। तो ये और उल्टा जब 14 फरवरी 2019 को हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे देश में कैंडल मार्च निकाल रहे, ये विपक्ष का काम है। पक्ष का काम है कि तुरंत सख्त पता लगाते। तो जो राहुल जी ने उठाया है हम पूरा समर्थन करते हैं, जांच होनी चाहिए, वरना ये 2024 के पहले भी ऐसे कुछ होगा इस देश में। पुलवामा अटैक के बरखी पर जो सवाल खड़ा किया, इतने बड़े दल के नेता, उन्हें हर चीज में मौत में भी राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि उनकी नींव ही उसी पे खड़ी है। 1947 में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, उस समय भी कत्लेआम हुआ। डूब के मर जाना चाहिए, मौत पर राजनीति करना छोड़ दें राहुल गांधी। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अपोजिशन का काम क्या है? अगर पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए, एक गाड़ी बाकायदा विस्फोटक से भरी हुई आती है और एक ऐसी बस में जो ब्लड प्रूफ नहीं थी उससे जाकर टकराती है और उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं, क्या देश ये जानना नहीं चाहेगा कि सिक्योरिटी का ये लैप्स क्यों हुआ? आज एक साल गुजर गया, सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। ये पाकिस्तान से हमदर्दी की जो बात करते हैं, इसमें पाकिस्तान से हमदर्दी कहाँ आ गई? ये तो हमारे जवानों से हमदर्दी है। राहुल जी ने जो बात कही है वो पत्थर की लकीर की तरह से बिल्कुल सही है। जवाब सरकार को देना चाहिए, और अगर इस तरह के सवाल पूछने को ये कहा जाएगा कि हम आतंकवादी हैं तो हम आतंकवादी हैं, हमें कोई सवाल पूछने से नहीं रोक सकता, ये डेमोक्रेसी है। शहीदों की शहादत पर सियासत बंद करे कांग्रेस, शहीदों की शहादत पर उनका मजाक उड़ाना बंद करे कांग्रेस। एक तरफ हमारे पुलवामा में इस भारत माँ के बेटों ने शहादत दे दी इस देश को बचाने को, और उस पर कांग्रेस सियासत कर रही है। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? हर बार कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, कभी पुलवामा पर सवाल, कभी बालाकोट पर सवाल, एयर स्ट्राइक पर सवाल, कितने आतंकवादी मरे कितने नहीं मरे इस पर सवाल। एक तरफ पाकिस्तान भारत के पराक्रम को झुठलाता है, सबूत मांगता है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसी काम में लगी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।